हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ खान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एल्डन रिंग के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ। बेसिकली आज हम एल्डन रिंग का गेम प्ले स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज एपिसोड 1 देखेंगे हम इसको। हम चूंकि मैप बहुत बड़ा है और चैप्टर वाइज बाइफरकेशन हुई नहीं हुई इस गेम की, तो हम इसको एपिसोड वाइज खेलेंगे। हर एपिसोड में हम कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो रख लेंगे और उनको कवर करेंगे। कुछ बॉसेस को मारना होगा, कुछ लेवल अपग्रेड करने होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जनाब एल्डन रिंग के फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलता है। कोशिश मेरी होगी कि जितना मैं इस गेम को थोड़ा सीख पाऊँ, आप लोगों को भी वीडियो में साथ साथ शुगल मिले के साथ साथ आपको गाइड भी करूँ। तो शुगर मिला और गाइड दोनों ही चलेंगी इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जनाब एल्डन रिंग के फर्स्ट चैप्टर में हमें कितना कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है गेम। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल माई न्यू वीडियोज थ्रू नोटिफिकेशन। और एक छोटी सी चीज ऐड करता चलूं कि इंडिया से मुझे बहुत सारा प्यार कॉमेंट्स और लाइक्स की सूरत में मिलता रहता है, तो इंडियन फैंस के लिए लव यू हो गया। 1 2 3 गो विद द फ्लो। ओके जी, प्रेस एनी बटन आ चुका है एल्डन रिंग की स्क्रीन के ऊपर, तो प्रेस एनी बटन को करते हैं गो। ठीक हो गया। जरा मीटर से अपनी आई हेडफोन आई थिंक तो मैंने उल्टा लगाया है। आई आई अब आवाज आ रही है सही, आप लोग को आ रही है? नहीं आ रही तो थोड़ी बात ऊंची कर लें भाई साहब। और प्ले स्टेशन प्लस आपको इसलिए चाहिए है प्ले स्टेशन 5 पे गेम खेलते वक्त, अगर आपने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड यूज करना है। हमने नहीं करना, हमने ऑफलाइन चलना है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। ओके जी, स्टार्टिंग गेम इन ऑफलाइन मोड ड्यू टू लैक ऑफ द प्ले स्टेशन प्लस सब्सक्रिप्शन। ओ भाई, असी छोटे जे गरीब से यूट्यूबर है, हमने क्या लेना देना हमारा जनाब प्ले स्टेशन प्लस की सब्सक्रिप्शन के साथ। चलो जी, न्यू गेम। ओके, टॉगल थोके साथिंग सोथिंग कोई होने वाली है कि नहीं है? अभी फिलहाल हम डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही चलते हैं। रेट्रेसिंग अनलिमिटेड रेट्रेसिंग विल लॉक परफॉर्मेंस सेटिंग टू दी प्रायोरिटाइज क्वालिटी। ओके, रेट्रेसिंग ऑन करके देख लेते हैं क्या चलता है, अगर बाद में इसको चेंज करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट करें जी, एडजस्ट ब्राइटनेस कर लें। ओके, कर लिया। नॉर्मल नॉर्मल कैमरा आर्थर रोटेशन। ओके नेक्स्ट, फिलहाल इसको बाई डिफॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उन्हीं पे लेके चलते हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, सिलेक्ट करेक्टर बेस। अच्छा, करेक्टर की सिलेक्शन पे आपको 50 लाख वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर के भाई साहब ये वाली क्लास का ये बेहतर है, ये वाली क्लास का ये बेहतर है। तो भाई साहब अपनी सिंपल सी लॉजिक यही है कि चूंकि इस गेम को फ्रॉम सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी ने बिल्ड किया है और वो बंदा जो ओनर है फ्रॉम सॉफ्टवेयर का या CEO कह ले वो है जैपनीज, तो आई थिंक सो सुमराए जो है वो जैपनीज वॉरियर को कहते हैं, तो इससे बेस्ट क्लास मुझे नहीं लगता इस गेम में कोई और होगी बाय डिफॉल्ट ही। तो ये मेरी एक अपनी खुदू किस्म की लॉजिक है, पता नहीं आप लोग इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते। तो हम करेंगे टाइप ए बॉडी चूज, एंटर कर ले नाम एंटरमेंटर। ये कर लिया हमने नाम एंटरमेंटर। एज हम यंग ही ठीक है अभी। ओके जी, ओरिजिन समुराए, कीप सेक हम रखेंगे। लैंड्स बिटवीन रॉन, ठीक है जी। इसका मसे मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हाय अंदर से ये निकलेगा भाई, ठीक है कोई बात नहीं। चलें डिटेल अपीयरेंस में जाके हम थोड़ी सी स्किन इसकी करेंगे, थोड़ी सी चीठी कर देते हैं स्किन इसकी, घोरा चीठा इसको बना देते हैं। हाय ऐके हो जाए, चीठा हो गया। ठीक है जी, आल्टर फेस एंड हेयर। ठीक है जी, हेयर फेस स्ट्रक्चर ठीक ही है।
ओके ओके, हेयर हेयर कलर, हेयर कलर, हेयर कलर, हेयर कलर, हेयर कलर, सुमराय वाली जनाब लुक भी तो होनी चाहिए ना भाई साहब। तो जो मेरा फेवरेट हेयर कलर है वो इसमें कौन सा है? ये चीज मेरे अजीज, दिस इज द हेयर आई लॉक द मोस्ट। ओके, हेयर कलर चेंज करके देखते हैं कोई और मजे का कलर निकलता है कि नहीं निकलता है। ऐशी ग्रे सा कहां से मिलेगा? यही ठीक है, ये भी ठीक है यार। वाओ वाओ, मजेदार और जहकेदार। अब आ जाए बाकी चीजों को, हमें छेड़ना नहीं है। हम ये बेहतरीन किस्म का हेयर स्टाइल के साथ, नंगी टुई के साथ हम आ चुके हैं। सेव टू फेवरेट भी कर दें। चलो जी, सेव टू फेवरेट कर देता जी। ठीक हो गया, लॉर्ड फेवरेट। ठीक है जी, लॉर्ड फेवरेट अभी हमने नहीं करा है। ओरिजिनल सुमराए, ये वो फलाना टमकाना सब कुछ हो चुका है और अभी हम इसको करेंगे फिनिश। स्टार्टिंग गेम विद दिस करेक्टर, इज दैट ओके? ओके, चलो जी। हो गई स्टार्ट। Tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Oi! इंट्रो पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। नाउ क्वीन मारिका द इटर्नल इज नोवेयर टू बी फाउंड एंड इन द नाइट ऑफ द ब्लैक नाइव्स गॉडविन द गोल्डन वाज फर्स्ट टू पेरिश। सून Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength. थोड़ा सा नेड़े नेड़े कर लिए ना, मैंने कहा जरा आहो। A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. ये है जोडान और ये हैं हम। Oh, rise now, ye tarnished. Tarnished हम। Ye dead, who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion. The loathsome dung eater and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Grace would again bless a tarnished of no renown.
across the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Cross the fog to the lands between and become the Elden Lord. ठीक है जी, आ गई समझ? सारी कहानी इतनी सी है कि हमने बनना है Elden Lord. चलो जी, Elden Lord साहब, Vanished Wizard's Finger. Okay, switch action. रीड मैसेज, ओके ठीक है. तो दी पाथ बी ब्रोकन एंड अनसर्टन, क्लेम योर प्लेस एज Elden Lord. ओके जी, रास्ता आपको टूटा फूटा और फ्रैक्चर्ड मिलेगा. फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है ये, लेकिन Elden Lord आपने बनना है. बन के दिखाएंगे हम, टेंशन ही लेनी पाई. चपल ऑफ एंटिसिपेशन, चपल क्या बात, यहां पे सज्जे खब्बे फिरने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है जी, क्योंकि यहां पे इधर उधर कुछ भी नहीं मिलना आपको, इसे चुप करके तोड़ते जाएं. ओ सामने क्या बात है, क्वीन मैरिका का मुजस्मा है, आई थिंक सो. ये है एड थ्री. ओके, एक अदद बड़ा कोसी का बच्चा हमें मिल चुका है. ओके. ओ सबर कर ला कोसी के, दो तीन हिट है तो तुझे मारूंगा, दो तीन हिट है तो मैं मार के रहूंगा, क्योंकि ये पहला बॉस है तो इसलिए ये इसी तरह यहीं से स्किप होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी. एक वंस वी अपग्रेड एंड लेवल अप आवर करेक्टर, देन इस खौती के बच्चे को आगे पूछेंगे हम के चौधरी आ गए ऐसी. ओ तेरी, टोरेंट नाम का एक घोड़ा हमें भी इसमें मिलेगा, पता नहीं वो यही है कि कोई और है. Don't worry, Torrent. Yes. Fortune is on his side. Okay. टोरेंट नाम है इसका, इसी घोड़े. We found him here, after all. वो कह रही है फॉर्चून ऑन हिज साइड, टेंशन ही लेनी, मरा नहीं है ये. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. One of his kind, नहीं, हम खुद भाई Elden Ring करेंगे. One of his kind का चक्कर ही कोई नहीं. Does violate the Golden Order. Yes. Golden Order की ऐसी की तैसी हो चुकी हुई है in the land betweens में. वो कैसे होगी है वो आपको आगे जाके बताऊंगा. तो भाई साहब, चूंकि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो हम आज अंग्रेजों के जमाने में गए हैं. क्योंकि हमारे पास पहले बॉस को फाइट करते वक्त फ्लास्क नहीं थे, हील करने का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिक गेम ने वो कर दिया स्किप. और अभी हमें वो फ्लास्क मिल चुके हैं. एक हमारा माइंड वाली जो बार है FP, वो फिल करेगा, और एक हमारा जो हेल्थ वाली बार है HP, वो फिल करेगी. ठीक है जी, दो किस्म के फ्लास्क हैं, एक ब्लू बार को फिल करती है और एक रेड को करती है. द केव ऑफ द नॉलेज लाइज बिलो. ओके भाई, जंप डाउन द होल अहेड एंड यू विल फाइंड द केव ऑफ द नॉलेज. ओके, ये है एक अदद NPC.
एनपीसी क्या होता है गूगल करने, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। रिकॉल द आर्ट्स ऑफ द वॉर एंड वॉरियर्स ब्लड। चलो जी, वो भी भाई साहब यही कह रहे हैं कि जनाब नीचे जाएं, नॉलेज ऑफ द केव को एक्सप्लोर करें। वाओ, मुझे लगा हम इतनी ऊंचाई से गिर के मर जाएंगे, लेकिन हम बच गए। ठीक है जी, अभी हमारे पास इक्विपमेंट के नाम पे सिर्फ एक अदद तलवार है। विद इक्विपमेंट मेन्यू यू कैन इक्विप आर्मामेंट्स, असला, एरोज, बुलेट्स, बोल्ट्स, आर्मर्स, पता नहीं क्या क्या। यू कैन इक्विप अप टू देयर अहो जीबी टू बी। ठीक है, आप जरा स्क्रीनशॉट लेके तसल्ली से पढ़ पुढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, ओके। तो वी फाइनली गॉट आवर फर्स्ट साइट ऑफ ग्रेस। रेस्टिंग एट द साइट ऑफ ग्रेस विल बी रीस्टोर योर एचपी एफपी। एचपी है वो रेड कलर की बार आपको नजर आ रही, एचपी है नीचे ब्लू कलर की, और नीचे वाली जो है वो थर्ड वाली जो सबसे लंबी है वो है स्टेमिना। अच्छा जी, इट विल ऑल्सो रीफिल योर सेकंड फ्लास्क। हाउएवर मोस्ट ऑफ द एनिमीज यू हैव डिफीटेड विल बी रिवाइव्ड। ओके, यू कैन फाइंड साइट ऑफ ग्रेस बाय गोइंग वेयर लाइट कवरेज। ओके, दीज एक्सप्लेनेशंस आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन्फो टर्म्स एंड कैन बी अक्रॉस फ्रॉम द इन्वेंटरी एट एनी मेन्यू। ठीक है जी, तो ये एक अदद साइट ऑफ ग्रेस है, इसमें से जब आप इसको टच करेंगे तो यहां से हम लेवल अप भी होंगे। हाँ, ओके करेंगे तो फिर होगा। चलो, ये टच है, मेन्यू खुला हुआ था ना इसलिए वो टच ही था। तो इसको टच करेंगे तो वो एक्टिवेट होगी, वैसे नहीं होगी। ठीक है जी, रेस्ट एज दी साइट ऑफ दी ग्रेस भी आप कर सकते हैं, और यहां से आप जाके टाइम पास भी कर सकते हैं, फ्लास्क भी अपग्रेड हो जाएंगे, रिप्लेनिश हो जाएंगे, यानी कि रिफिल हो जाएंगे। अभी चूंकि जब तक मलीना से हम मिलेंगे नहीं, आगे करेक्टर आना है एनपीसी, तब तक आप लेवल अप नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे वो भी आपको आगे जाके बताऊंगा, टेंशन ही लेनी। अटैक आर एच एंड टू हैंडेड। ओके, टू हैंडेड आपने करना है ट्राई एंगल और विद आर वन से। देखो, देखा, टू हैंडेड जब हो जाएगी आपकी तो उसकी पावर ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ये चेक करें, ठीक है, एक ही हिट से। ओके जी, यूज एन आर्गुमेंट इन योर लेफ्ट हैंड और बोथ हैंड्स टू गार्ड अगेंस्ट इनकमिंग अटैक्स। ओके, एल वन से होगा जी गार्ड। ओके, गार्ड हो गया, छितर हो गया। ठीक है जी, गार्ड चेक कर लिया कैसे होना। अच्छा जी, अगला आज डॉजिंग। यू कैन अवॉइड एनिमी अटैक बाय डॉजिंग, रोल, बैकअप, फलाना, टमकाना। चलो जी, हेलो जी, ए डॉज नहीं हुआ, ए ये चीज ठीक हो गया। 44 रूनस हमारे पास इकट्ठे हो गए, आपको राइट कॉर्नर में नजर आ जाएंगे। रूनस होते हैं यहां की करेंसी। ओ देखिए, एक अदद ऊपर खोती का बच्चा है, उनके एरो से आपने बचते हुए जाना है। चलो जी, इन एवरी कॉन्टिनेंट यू विल फाइंड फ्रूट्स एंड फ्लावर। ठीक है जी, ये आपने इकट्ठे करते जाना है। इसका फायदा ये भी होगा आपको कि कल को आप इसको सेल करके ना काली को, तो आप रूनस इसके अगेंस्ट ले पाएंगे। ठीक है जी, ईच हैंड कैन बी इक्विप्ड विद दी अप टू 3 आर्मर्स। ठीक है जी, अलाइंग यू टू टॉगल बिटवीन देम। ठीक है जी, स्विच राइट हैंड आर्मेंट्स, लेफ्ट हैंड आर्मेंट, और ट्राइंगल प्लस L1 करेंगे वी टू टू। ओके ठीक है जी, इसको ऐसे किया, ऐसे आ गया। वाओ, ओके, ये हैवी अटैक किया है तो उसने उसकी शील्ड थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दी। ठीक है,
हैवी अटैक होता है L2 से, वो सारे बेसिक्स है। जैसे ही आप कंट्रोलर हाथ में लेंगे आपको जनाब सारी चीजें ऐसी चौकस याद हो जाएंगी, जैसे कि ऐसे वाली डॉज होन से ही कीता मैं, ठीक है जी, तबीयत साफ हो गई है। अच्छा जी, इक्विप बो टू फायर एरो, यू कैन इक्विप अप टू टू टाइप्स ऑफ एरो टू चूज फ्रॉम एट वंस। ओके जी, R1 फायर एरो, ठीक है जी, अभी कर लेते हैं। ये चूंकि हम टू हैंडेड हैं, ओके सबर कर ले बेटे, ये ऐसे रख। क्या ही मजेदार किस्म की ट्रिक है, जंप मार के तो ऊपर से जब आप मारते हो, क्या भला ऐसे रख। ये तो गोल्डन रून यूज हो गया, मैंने तो अपनी तरफ से फ्लास्क यूज किया था। अच्छा जी, ये क्या जी, अरेंजमेंट स्पेशल एबिलिटी कार्ड, स्किल्स, स्किल्स आर हाईली वैरिड एंड रेंज फ्रॉम पावरफुल अटैक्स टू डिटेबिलिटी। अच्छा जी, R2 L2 से करना है स्किल। वाह क्या स्किल थी, छितर पै गए सानू। ये आ गया फ्लास्क, ये हमने यूज किया और ये हमारी होगी पावर पूरी। चल बेटा तू स्किल हमें यूज करने नहीं देगा तो फिर मैं फिलहाल मरना नहीं चाह रहा। ओके जी, क्राउच करना कैसे है, क्राउच आपने करना है ऐसे और अच्छा क्राउच करके आप जितना मर्जी पास उसके पहुंच जाए उसको नहीं पता चलना, ठीक है जी। R1 क्रिटिकल हिट, चलो हेलो जी, क्रिटिकल हिट भी लगा दिया हमने। और कोई मेरे लायक हुक्म। अच्छा जी, चार्ज अटैक होगा होल्ड R2 से, R2 वाइल जंपिंग जंप अटैक, ठीक है। जंप अटैक तो मैं आपको दिखा चुका हूं, ये वाला है, ये वाला दूसरा। क्या मजेदार किस्म का इंपैक्ट आया, चस आ गई सेटिस्फेक्शन। अच्छा जी, अपॉन डाइंग यू विल बी रिवाइव्ड एट द लास्ट साइट ऑफ ग्रेस दैट यू विजिटेड, ठीक है। हाउएवर इफ देयर इज अ स्टैक ऑफ मारिका नियर वेयर यू डाइड यू कैन चूज टू बी रिवाइव्ड। अच्छा, साइट ऑफ ग्रेस थी थोड़ी सी पीछे, तो अगर मैं इसको चूज कर लूंगा ना पास जाके, चूज कैसे करूंगा, आए आए कैसे होगी वो कर ले यार, नहीं चूज हो रहा, अल्ला फिर इस तरह भी नहीं होगा। चलो पता नहीं चूज हो गया ऑटोमेटिकली शायद, तो आप रिवाइव होंगे यहाँ पे, नॉट फॉर नॉट एट द लास्ट साइट ऑफ ग्रेस। तो जैसे ही आपको ये फोग वाली दीवार में नजर आए ना, समझ लें कि आगे आपको एक बड़ा एनिमी या बॉस आपको मिलने वाला है, ठीक है जी। वड्डा एनिमी समझते हैं, वड्डा बॉस और वड्डी पावर। चेक करें कैसा उड़ता हुआ खोती का बच्चा आ रहा है। अच्छा, यू कैन परफॉर्म ए काउंटर अटैक इमीडिएटली आफ्टर ब्लॉकिंग एन एनिमी अटैक। ओके, R2 इमीडिएट आफ्टर ब्लॉकिंग अटैक गार्ड काउंटर, ठीक है करके देख लेते हैं। ओए वो यार, ये तो काउंटर अटैक ही ऐसी की तैसी, वो तो ले गया मैनू। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है जो उन्होंने कहा है करने की, लेकिन सॉरी ब्रदर, मैं आपको काउंटर अटैक अलाउ नहीं कर सकता, आप तो मेरी ऐसी की तैसी फेर देनी थी आपने अभी की अभी, इसलिए सॉरी भाई, आपको फिलहाल एक डॉगी की मौत मरना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सॉरी ब्रदर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक फिर किसी साइट ऑफ ग्रेस के पास। वाह 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 वाह, दरवाजा तो हमने खोल लिया लेकिन पीछे मैंने कुछ पड़ा देखा है ब्लू से कलर का, ओ ऊपर है वो, ऊपर कैसे जाएंगे। चलो वापस आना ना वो बॉस को मारने, तब ले लेंगे यहां से जो भी लेना है। कुछ यहाँ पे लूट छूट के नाम पे नहीं है भाई। एक और साइट ऑफ ग्रेस हमें मिल चुकी है,
मुबारक हो आपको सारे देगा मांडते हो क्योंकि साइट ऑफ ग्रेस गई है मेल। ये एक अदद स्टॉर्म स्टोन वार्ड की हमारे पास होगी तो ये स्टैचू खुलेगा और इसके अंदर से कुछ निकलेगा, लेकिन अभी वो सिर्फ होनकों की तरह पीछे ही देख रहा है कि मेरे पास कुछ था नहीं था। ये क्या मिला जी? कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर। ओके, यूज ट्रेनिश्ड फिंगर टू राइट ए गोल्ड समन साइन। ठीक है, कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर विल बी बिगन वंस यू हैव बीन समन्ड बाय द प्लेयर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। अच्छा, अगर आपने मल्टीप्लेयर खेलना है तो उस अपने किसी दूसरे साथी को, फ्रेंड को गेम में बुलाने के लिए समन आपको करने के लिए फिंगर सर्वर चाहिए। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे हम खड़े हो जाएंगे चुप करके इसके ऊपर, ये लिफ्ट हमें लेके जाएगी सीधा ऊपर, नॉट वो वाला ऊपर, वैसे वाला ऊपर। वाओ, क्या ही मजेदार लिफ्ट थी, जैकेदार और मजेदार। सारे भांडे दियो भन, कोई चस्का चुस्का लेना तो चलो निकलना, इसमें से कुछ भी नहीं है। ये कोई गॉड ऑफ वार नहीं है कि आप एक अदर भांडा तोड़ेंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा। वाह 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 वाह, लिम ग्रेव में हम एंटर हो चुके हैं भाई। लिम ग्रेव आपका स्टार्टिंग एरिया है और बहुत ही बड़ा एरिया है। अगर आपने इसका सफाया कर लिया तो फिर आपको एल्डन लॉर्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या ही खूबसूरत किस्म की एड ट्री का व्यू है, क्या ही खूबसूरत किस्म। मतलब बंदा पास हो तो चुम्मी ले ले बंदा एड ट्री की, कसम से। चेक करे, कौन कहता है कि एल्डन रिंग सिर्फ औखी गेम है और उसमें ग्राफिक्स है नहीं, कौन कहता है? बंदा मिला दियो मैंने जरा, बस चेक करें। ये क्या आ गया है जी? अच्छा जी, समनिंग पोल भी हैं जी। इन ईच एरिया यू मे फाइंड ए फिग ऑफ मैट्रेस दीज एफर। भाई इंग्लिश मैनू इतनी कोई इच्छी वाली नहीं आती, इसलिए भाई बर्दाश्त कर लेना यार। यू शैल फाइंड इन ईजी समन ऑर्डर प्लेयर्स बट ओके। ये भी मल्टीप्लेयर की कोई आइटम है, मल्टीप्लेयर अभी तो हम खेल नहीं रहे, पहले हम करेंगे इसका एंड। Once we become our Elden Lord, then we will play multiplayer. Guidance of Grace. Grace excited to guide the tarnished and lead them along the proper path. अगर आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है तो आपने भाई साहब ये जो पतली सी लाइट निकल रही है ना ये वाली, इसको फॉलो करना। ठीक है जी, ये सीधा जा रही है तो आपने भी सीधा जाना है। Use your map to check your current position as well as it. Train and surrounding structures. Okay. Map कैसे खुलेगा? Map खुलेगा D-pad से. With map menu, you can check your current position and train and building in the surrounding area. Okay. ये एक map है. अगर आपको वहां से भी नहीं पता चलता कि कैसे जाना है तो ये आपको हर site of grace से ये वाली आग निकलती नजर आएगी और ये map ऐसा नहीं होगा. ठीक है, अभी map को हम डिटेल से explore करेंगे. वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। ठीक है जी, ये मैप पे कार कूर नहीं बने नजर आ रहे ना, तो परेशान नहीं होना, आपका भाई बना देगा। तो यहां पे हम आ गए हैं अपने पहले एनपीसी के पास, सही वाले एनपीसी। इससे हमने बात कर ली है 3 दफा। नो शेम इन इट, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, सारे डायलॉग एग्जॉस्ट कर लिए। यू आर मेडनलेस, विदाउट गाइडेंस, विदाउट द स्ट्रेंथ ऑफ रूनस, and without an invitation to the round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. समझ आ गई है? पहला आपको समझा देता हूं कि आपको एक अदद मेडन चाहिए, आपको रूनस को, जो आप रूनस अभी हमें मिल रहे हैं एनिमीज को मारने के बाद, उनको कन्वर्ट करने के लिए, लेवल अप करने के लिए एक मेडन की जरूरत है। उसके बाद तीसरी ऑप्शन ये है कि राउंड टेबल, जो कि ट्रानिस्ट जो लोग हैं हमारे जैसे जो और लोग हैं, उन्होंने एक राउंड टेबल वाली प्लेस है, वहां से आप बहुत सारे अपने क्या हम कहेंगे वेपन्स को अपग्रेड कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर, अब आगे चलते हैं। Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar
with grace. The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. ठीक है जी, अभी इसके बारे में बात हो रही है कि ये हर साइट ऑफ ग्रेस के अंदर से जो लाइट निकल रही है, तो आप मेडनलेस भी हो गए, तो आप ये पाथ फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कोई बड़े ही कोई औतरी किस्म के गेमर है ना, तो आप मेडनलेस भी गेम खेल सकते हैं। मेड कौन है, मेड भी बताता हूँ कौन सी है, फिर से एक दफा बात करें। गाइडेंस विल रिवील द पाथ फॉरवर्ड मोस्ट सर्टेनली टू कैसल स्टॉर्मवेल ओवर ऑन द क्लिफ, द होम ऑफ द डिक्रेपिट डेमी गॉड गॉडरिक द ग्राफ्टेड। ठीक हो गया जी, आ गई समझ। आई होप कि आपको मैं बड़े ही देसी जबान में जो चीजें मुझे देसी जबान में समझ आती हैं, मुझे भाई इतना ज्यादा, मैं कोई बड़ा गेमर नहीं हूं, तो इसलिए मुझे देसी जबान में चीजें समझ आती हैं, तो मैं भी आपको उसी जबान में गाइड करूंगा। आई होप आपको पसंद आए। ये जो गोल्डन कलर की खोपड़ियां हैं, ये आपको जगह जगह मिलेंगी। अगर आप इसको वैसे मारने की कोशिश करेंगे, वैसे तो अभी मेरा तुक्का लग गया है, तो ये नहीं होगा। इसको तोड़ने का ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। वो एक अदद सामने देख लें आप, वो एक अदद खोती का बच्चा जा रहा है, बहुत ही बड़ा। अभी हमारी पावर है बिल्कुल बिल्कुल मुन्नी नन्नी मुन्नी जितनी, ठीक है। तो इसलिए अभी इससे पंगा लेने का तो बिल्कुल जेन में आपने रखना ही नहीं ना। तो आप इनको मार के खुश हो जाएंगे, आह मैं तो एल्डर रिंग का चैंपियन बन गया हूं, ठीक है। यहां से हम बाहर आए हैं, ठीक है। अभी हम यहां से जाएंगे एक और जगह पे। अभी उस खोती के बच्चे को हमने ये इसी तरह खोपड़ियां तोड़नी है आपने रोल करके, क्योंकि समटाइम जो वेपन है वो हिट नहीं हो रहा होता। अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी उस घोड़े वाले भाई को इग्नोर मारना है आपने, और चुप करके साइडो साइड जो है ना, आपने यहां से आना है इधर ये एरिया में। आपको मैंने एक अदर चीज दिखानी है। हाँ, गलत तो नहीं आ गए हम। नहीं, हम सामने ही जाएंगे। थोड़ा सा भटक गया है आपका भाई, कोई बात नहीं, भटके हुओं को भी एल्डन रिंग रास्ता दिखाई देती है, और जिंदगी में भटके हुओं को रास्ता दिखाता है ऊपर वाला, यानी कि गॉड, यानी कि अल्लाह। हो 3500 समथिंग रून्स हो गए हमारे पास, लेकिन अभी अपग्रेड करने का टाइम नहीं आया, ठीक है जी। साइड से निकल के हम, यस ये आ गया सामने बिल्डिंग। अभी हमारे पास टोरेंट नहीं आया, टोरेंट जो सिर्फ फिल्में डाउनलोड करते हैं वो वाला टोरेंट नहीं, घोड़े वाला टोरेंट। इसमें जो हॉर्स है उसका नाम है एक अदद टोरेंट। ये आ गए हम बड़ी ही मजेदार और जैकेदार जगह पे, जहां पे हमने अपनी तीसरी चर्च ऑफ एले कहते हैं इसको। यहाँ पे आपको भाई साहब एक कदर मिलेंगे, वो सामने बैठे हुए हैं सांता क्लास के ड्रेस में, इनको कहते हैं काली। वो जो शाहरुख बना था ना दिलवाले में, वो वाला काली नहीं, ये दूसरे वाला काली। थ्रो योर मैप यू कैन इंस्टेंटली ट्रेवल टू एनी साइट ऑफ ग्रेस दैट यू डिस्कवर। ओके, इसका मतलब ये है कि यहां पे रख के अगर आप ओके करेंगे ना, ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग टू दी फर्स्ट स्टेप पे ले जाएगा आपको, यानी कि आप वन साइट ऑफ ग्रेस टू अनदर साइट ऑफ ग्रेस तक फास्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो अभी हमें फास्ट ट्रैवल की जरूरत है नहीं, तो इसलिए फिलहाल हम चाचे काली से मिलेंगे। You're tarnished. I can see it. बड़ी मेहरबानी। I can also see that you're not after my throat. Yes, मैं after your throat नहीं आया, यानी मैं तुझे मारने नहीं आया। Something. I am Kale. Purveyor of fine goods. Okay.
अबाउट काली, आई एम ऑफ अ नोमैडिक पीपल. नोमैडिक पीपल कहते हैं खानाबदोश लोगों को, जो कार नहीं होते, जो अपनी तोड़ा तोड़ा चौके जिसे मर्जी बैठ देते हैं. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजें जो हमने रस्ते में कट्ठी कुठी की थी. ये हमने एक रस्ते में डंगर मारा था, उससे हमें हड्डियां मिली थी. अगर मैं इसको ओके करूंगा, सेल थिन बीस्ट बोन्स फॉर 10 रूल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज एल्डन रिंग में फालतू नहीं है, सारा कुछ इकट्ठा करना है आपने. ठीक है जी, इसको अभी आप सेल कर सकते हैं अगेंस्ट 10 रूल्स. ठीक है, अभी हमें सेल कुछ करना नहीं है बिकॉज हमारे पास इनफ रूल्स हैं जितने अभी हमें चाहिए. एट द स्मिथिंग टेबल, ये है एक अदर स्मिथिंग टेबल. यू कैन स्पेंड रूल्स एंड स्मिथिंग स्टोन्स टू स्ट्रेंथन योर आर्मेंट्स. ठीक है जी, आपके पास अगर रूल्स प्लस स्मिथिंग स्टोन्स होंगे जो कि हमें डिफरेंट जगहों पे मिलेंगे थ्रू आउट द लैंड्स बिटवीन में, तो आप यहाँ पे रह के अपना आर्मर जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं. समवेयर इन लैंड बिटवीन यू मे मीट द ब्लैक स्मिथ हु कैन मेक योर आर्मेंट्स इवन स्ट्रॉन्गर. यानी ये तो बेसिक सा स्ट्रॉन्ग होगा ना, ठीक है, आप इससे भी ज्यादा वो स्मिथर के पास जाके कर सकते हैं. स्मिथिंग स्टोन हमारे पास है एक, तो हम इसको यूज स्मिथिंग स्टेबल करके आपको मैं स्ट्रेंथन आर्मंड की भी एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूं. अच्छा जी, विद द स्मिथिंग मेन्यू यू कैन स्पेंड रूंस एंड स्मिथिंग स्टोन्स टू द स्ट्रेंथन योर आर्मंड. ठीक है जी, ये तो पढ़ ली हमने बात. इसको अगर आप ओके करेंगे तो आपके 310 रूंस जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे. हेलो जी, एडिशनल आइटम रिक्वायर्ड आए. अच्छा, अभी हमारे पास वो स्मिथिंग स्टोन नहीं है ना, ये अपग्रेड होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा. ठीक है जी, स्मिथिंग स्टोन, हाँ जी, रिक्वायर्ड आइटम जो है वो ओके. यहाँ पे एक तो 310 रूंस कट रहे हैं, प्लस जो है रिक्वायर्ड आइटम आपको स्मिथिंग स्टोन चाहिए, 1, 2 चाहिए. हमारे पास कितने हैं, 1 है. 2 रेड में इसलिए लिखा हुआ कि हमारे पास 2 नहीं है, 1 है. ठीक है जी, तो इसलिए फिलहाल के लिए हमारे पास स्मिथिंग स्टोन जो है वो अहो नहीं है. तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूं, हम आगे से इकट्ठे करके वापस आएंगे. ये देखिए, लेवल अप की अभी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं आ रही. ठीक है, लेवल अप की ऑप्शन कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूं. ये पहले तो गोल्डन रूंस जो है ना वो यूज करें ना, आप यूज कर लें इसको. गोल्डन रून को यूज करने का मतलब है कि आपको रूंस मिल गए आपके. ठीक है, 200 रूंस मिल गए. वो एक अदद खोती का बच्चा मिल गया है आपको, आपने इसको पकड़ना है बड़े ही आराम से और बड़े ही सुकून से, टेंशन नहीं लेनी. अभी पकड़ लेंगे इसको हम क्राउच करके. ओ भी एक और भी है. ओके, ओए मोड़ ना जाई भाई, तेरी मेहरबानी है, मैं आ रहा हूं. पीछे ना देखी, पीछे देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा. ये पकड़, ओए मिस हो गया, मिस हो गया, मिस मार दिया, मार दिया. शुक्र है मार दिया मैंने, मेरे से मिस हो गया था. ऐसे रख, ऐसे रख, मजा आ गया. जंप वाली टेक्निक बहुत ही मजेदार और जैकेदार किस्म की है. वो भी एक कदर जा रहा है. मिस हो गया था आपसे भाई का, आपके भाई का मिस हो गया था हैवी अटैक, लेकिन आपके भाई ने हिम्मत नहीं हारी और अन्य वाह तलवार चलाई जिससे हमने 2 अदद गार्ड्स को मार दिया है. अभी हम यहाँ पे छुप के बैठेंगे, उसके मुड़ने का इंतजार करेंगे और फिर पीछे जाएंगे और इस बार कोशिश करेंगे कि मिस ना हो. चलो गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, बहुत ही कामयाबी के साथ बिना किसी डैमेज के हमने लूट फाड़ लो, लूट फाड़ लो, 2-3 बंदे मार दिए हैं. वो भी एक अदद बंदा खड़ा हुआ है, अभी उसकी बारी है. ठीक है जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा अभी, आ रहा, आ रहा अभी, आ रहा. वो देख कैसे आराम से उधर देख रहा है. कोशिश हम करेंगे कि इस बार भी हमारा अटैक मिस ना हो, जो कि नहीं हुआ. ये क्या मिला है, ये क्या मिला है, रूम फॉर
फ्रैगमेंट, रून फ्रैगमेंट क्या होता है? ओके, एक और रून फ्रैगमेंट मिल गया है। ये जितनी टूटी फूटी जगह आपको मिल रही है, ये फालतू नहीं बनाई, हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ पड़ा आपको जरूर मिलेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। ओ ओ, इधर तो मैंने बंदा मारा था, नहीं मारा था, इधर नहीं मारा था मैंने, अभी मारना है। ओ, फिर से मिस हो गया है भाई। ओ बस बेटे बेटे ना बेटे, हैवी ड्राइवर बनने की कोशिश नहीं करनी बेटे। अच्छा जी, तो अब हमने किधर जाना है? अब हमने जाना है कहां पे जाना है? ये है एक अदद कैंप, नहीं ठीक है। ओ चिड़िया तोते भी बैठे हुए हैं, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी उनकी, ठीक है। ओए नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई नहीं नहीं, ये मिल गया है, इसको आपने करना है ऐसे ब्रेक। गोल्डन रून आपको जगह जगह लैंड ऑफ बिटवीन में मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आपने कसीटी मार के जरूर तोड़ लेना है, ठीक है। ओए कैसा रोल हो के भाग गई है, पहली बारी देखी मैंने रोलिंग बकरी। अच्छा जी, ये हम आगे वापस चौधरी काली के पास तो नहीं आगे वापस? यस यस, अब हमने जाना है वो सामने, आपको पिलर नजर आ रहा है बहुत बड़ा किस्म का बिल्डिंग का, वहां पे जाना है हमने, ठीक है। इसी पाथ को फॉलो करते हुए हम बेसिकली ऊपर से ऐसे लेफ्ट टर्न लेके वापस आ गए थे। भाई ये चीजें आपने ध्यान करनी है कि आप मैप में किधर खज्जल हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे गुआच जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किधर चले गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से भागे, वो कैंप आ गया है आपको नजर। इस कैंप में आपने अभी घुसने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अभी हमने अपनी अगली लास्ट साइट ऑफ ग्रेस, नेक्स्ट साइट ऑफ ग्रेस जो है वो करनी है, और वहां से हमने अपग्रेड होने का जो सीन है ना वो करना है। कैसे करना है मैं बताता हूं अभी आपको। चलो, एक और गोल्डन रून मिल गया, मिल गया, ये हमें लेवल अप करने में फायदा देगा। चलो जी, एक अदद और साइट ऑफ ग्रेस मिल चुकी है हमें। हम कैंप से साइड पे से होके बचते बचाते इधर आ गए हैं, ठीक है। वो देखे कितने ज्यादा लोग हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जितने गोल्डन रून हैं उनको यूज कर लें, क्योंकि हमें लेवल अप करने के काम आएंगे, ताकि हमारे मैक्सिमम रून्स जो हैं वो हमें मिल जाएं, जिससे हम अपना करेक्टर लेवल अप करेंगे। दो गोल्डन ऑफ रून्स पकड़ लिए, गोल्डन रून्स पकड़ लिए, लो जी 4500 आपने इकट्ठे कर लिए हैं बहुत ही कामयाबी के साथ। और यहाँ पे सुकून से अब आपने बैठ जाना है यहाँ पे, और यहाँ ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार्टिंग गेम की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट ऑफ ग्रेस है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलेगी एक अदद पोपट बच्ची, पोपट। जैसे वो व्हाइट वाले बांदर हॉस्पिटल का चोगा पहना हुआ था, जिसने कहा था ना मेडन चाहिए आपको, तो ये है वो मेडन जो हमें लेवल अप करने, इसके बाद हम किसी भी साइट ऑफ ग्रेस के ऊपर बैठ के लेवल अप कर लेंगे, ठीक है। ये वही थी जो टॉरेंट के साथ आई थी जब हमने पहला बॉस मारा था। आई एम मेलिना, नाम क्या मजे का नाम है। उसने कहा था टोरेंट टेंशन नहीं लेनी, हम इसको मिलेंगे, जब हम मुद्दे मुंह पड़े हुए थे वो काकरोच से लड़ने के बाद पहले शुरू वाले बॉस। ओह कितनी प्यारी और कितनी पोपट बच्ची। ओके, क्या ऑफर करेगी भाई? हैव यू हर्ड ऑफ द फिंगर मेडन्स? दे सर्व द टू फिंगर्स
offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. Yes, I am maidenless. क्योंकि मैंने नई नई सीडी खरीदी है बेटे, मेरे पास मेडन नहीं है. Turning runes into strength. अब समझ आई आपको. In your search for the Elden Ring, you need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Erd Tree की जड़ों में जाना हमें. अब आप पे है कि आपने इसकी ऑफर एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी. करनी है भाई, ऐसी लेवल अप होना है. क्या हो गया यार, मतलब उसके बगैर हम एडन लॉर्ड नहीं बन सकते. चलो भाई. And it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. यानी कि लेवल अप करने के लिए जब भी जाना है तो मुझे समन कर लें. I bequeath to you this ring. Okay. Spiritual steed whistle. I hope I pronounce the correct word. Distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent, spectral steed, यानी कि घोड़ा. यहाँ से हमें मिलेगा घोड़ा. Treat him with respect. Treat him with respect. देखें आप, लेवल अप की भी ऑप्शन खुल गई है. तो यहां पे आपको मैं जरा क्रक्स बता दूं बात का, कि जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर के थर्ड साइट ऑफ ग्रेस पे पहुंचेंगे, हमने वैसे फोर्थ पे पहुंच गए हम, तो आपको मिलेगी मेलिना. मेलिना आपको स्ट्रेंथ देगी रूम्स को कन्वर्ट करने की, जो को कन्वर्ट करके आप अपने कैरेक्टर को लेवल अप कर सकेंगे. तो लेवल अप में हम जाते हैं. Shall I turn your runes to strength? Yes. Let my hand rest upon you. Okay. For but a moment. Share them with me. Okay, with the level up menu, you can spend runes to increase your attributes. The principles you would follow. Okay, attributes क्या होते हैं जी? ये हैं सारे attributes. ये सारे जाते हैं maximum 99 पे. और अगर आप इसको 99 पे लेके जाएंगे, और हमारा जो total level है ना, अभी वो top पे देखें 9 पे है, तो ये maximum जाता है 713 पे, यानी कि 713 पे हम इसको maximum ले जा पाएंगे. और जितने भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं वो 99 पे मैक्सिमम जाएंगे. ये जो पहले तीन हैं, इनके ऊपर हमने शुरुआत में फोकस रखनी है, कि दीज आर डायरेक्ट लिंक्स टू योर एचपी, एफपी एंड स्टेमिना बार. तो विगल जो है वो आपकी डायरेक्ट एचपी है, यानी कि हेल्थ, यानी कि रेड वाली बार. ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है भाई साहब मैक्सिमम. ये मैक्सिमम जाएगी 16 तक, क्योंकि क्योंकि आपके पास रूम्स जो हैं वो इतने ही हैं. तो इसको कर दे कंफर्म, कर दे लॉक, कर दिया जाए. कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा एल्डन लॉर्ड? ओके जी, स्पेंड 3525 रूम्स एंड लेवल अप. ओके चलो जी, रूम्स हेल्ड अब हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 994, और रूम्स हमें 17वें लेवल पे जाने के रूम्स हमें नीडेड होंगे 1238. ठीक है, आए सब पे इतने जरूरी होंगे. ठीक है, क्योंकि हेल्थ हमने जितनी अपग्रेड कर ली है उस हिसाब से ही अब बाकी एट्रीब्यूट्स जो है वो अपग्रेड होंगे. ठीक है भाई साहब, जितना खर्चा था आपने कर दिया है उसके ऊपर, विगर के ऊपर. और यहां से आप पास टाइम भी कर सकते हैं. अगर आपने, छोटी सी टिप आपको बता दूं, कि आप यहां से टाइम पास कर सकते हैं. अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपने दिन के टाइम ट्रैवल करना है. ठीक है, और अगर आपने एनिमीज को फड़काना है तो आप रात के टाइम फड़काएं. ठीक है जी, फ्लास्क, मेमोराइज स्पेल, शॉर्ट, अभी हमारा कुछ भी और लेना देना नहीं है यहाँ पे. और आपको एक अदर चीज यहाँ पे मजीद बता दूं, हॉर्स बैक राइडिंग हमारे पास आ चुकी है. यूज द स्पेक्चुअल स्टीड व्हिसल एज समन टू समन एंड राइड योर स्पेक्चुअल स्टीड. ओके, ये देखे, अब आप इसको पाउचेस के अंदर, पाउचेस का भी एक मैकेनिज्म है, इसको समझने के लिए डबल मेन्यू है. ठीक है, तो डबल मेन्यू में चीज कैसे ऐड कर रही है वो मैं आपको बता देता हूं. एक तो आपका मेन्यू चलेगा, ये देखिए, आपने ट्रायंगल प्रेस किया तो आपका मेन्यू चला, ये वाला मेन मेन्यू जहां पे आपकी ये तलवार, शलवार, फ्लास्क, फ्लूस का लटरम पटरम है. ठीक है, अगर आप ट्रायंगल को होल्ड करके रखेंगे तो ये आपका पाउच आ जाएगा. ठीक है जी, पाउच के अंदर चीज कैसे ऐड होती है,
इसके अंदर जाना है, आपके राइट साइड के ऊपर पाउच आ रहा है और पाउच में सिर्फ एक ही चीज बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। आप यहां पे आएंगे, यहां पे जो खाली वाला जो आपको इजी लगता है डी पैड पे, जिस साइड पे आपने घोड़े को आपको बार बार बुलाना पड़ेगा, टोरेंट को आपको बार बार बुलाना पड़ेगा, तो वो वाला शॉर्टकट रखिएगा जिसपे आप कंफर्टेबल हो। देखिए विगर हमारी ऐड हो गई है थोड़ी सी, है हेल्थ बार बड़ी हो गई है रेड वाली। अच्छा जी अपग्रेड भी हो गए हम, तो यहाँ पे फ्लास्क आप रख सकते हो, ठीक है यहाँ पे आप फ्लास्क रख लें ये वाले, ये हो गया ठीक है, पाउच लग गया, पाउच का साइन आ गया ऊपर ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, नीचे आएंगे इसको होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे ये विसल आ गई, इस विसल को मैं करूंगा ओके, तो यहाँ पे भी पाउच लग गया ठीक है जी। अभी फिलहाल के लिए हमने पाउच के साथ ये वाली चीजें ऐड कर दी हैं, ये देख लें। आप डी पैड का राइट साइड वाला बताएंगे दबाएंगे सॉरी बताएंगे दबाएंगे तो आपका पाउच हो जाएगा यूज, जैसे कि ये देखें मैंने होल्ड किया और ये दबाया और मैंने अपना एक पाउच जाया कर लिया ठीक है, आपके लिए सिर्फ आपकी मोहब्बतों के लिए ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट वाला दबाऊंगा तो एक अदद विसल आएगी और मेरा टोरेंट प्यारा दुलारा राज दुलारा टोरेंट आ जाएगा। अगर इसको मैं डबल करूंगा तो ये डबल जंप भी लेता है, ये मैं आपको बताता चलू ठीक है। और इसका शॉर्टकट की जो हमेशा याद रखिएगा, जो L3 है उसको दबाएंगे तो घोड़ा गायब हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट वे है। एनिमीज बॉसेस के साथ फाइट करते करते आपको घोड़े से कभी कभी फौरन उतरना पड़ेगा, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है L3, ये याद रखनी है। दोबारा अगर आप इसको दबाएंगे घोड़े पे चढ़ भी जाएगा, घोड़े पे आओ, और इसको अगर फिर से पाउच को ऑन करके फिर से दबाएंगे तो उतर भी जाएगा, लेकिन उतरने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी है भाई साहब, क्या है भला L3 ठीक हो गया। तो ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म छुट। आज हमने बेसिक्स वाले बहुत सारी चीजें सीख ली है एल्डन रिंग की और मजे भी ले लिए हैं थोड़े से। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये देख रहे हैं सामने वाला कैंप, ये सारा कैंप हम करेंगे सफाया इसका। तो अभी हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं कि नहीं भाई मैं खेलूंगा एल्डन रिंग। तो गेम आपने क्विट कैसे करनी है, गेम आपने क्विट हमेशा ऐसे करनी है कि आपने जाना है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर जब आप जाएंगे तो लास्ट पे आपको मेन्यू मिलेगा जिससे आपको बताएगा कि एक तो आपको प्ले टाइम मिलेगा कि आपने देखे 45 मिनट के लिए, और क्विट गेम आपने हमेशा करनी है यहां से ठीक है। ये यहां से क्विट गेम हो गई। तो ये वीडियो होता है यहीं पे दी एंड। मी आसिर इरफान काजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको एल्डन रिंग का चस कमांडो आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टिल देन अल्लाह हाफिज।